साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट के बारे में एक नया कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट में क्या होता है, जब कोई शेयर अपने ईयर हाई से गिरता है, फिर गिरते गिरते उसका ईयर लो बढ़ाता है, उसके बाद ईयर लो से जब वो वापस बढ़ना स्टार्ट करता है तो वो एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है वो शेयर। और कंसोलिडेशन फेज में कंसोलिडेट होते 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 धीरे धीरे वो कंसोलिडेट होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ऐसे कंसोलिडेट होते होते उसकी सभी डीएमए लगभग बराबर अवस्था में आ जाती है। उसकी जो डीएमए होती है उसकी 5 दिन की डीएमए होती है, उसकी 10 दिन की डीएमए होती है, उसकी 20 दिन की जो डीएमए होती है, उसकी 50 दिन की डीएमए है, उसकी 100 दिन की डीएमए है, उसकी 200 दिन की डीएमए है, वो एक लगभग इक्वल स्टेज में आ जाती है। यानी उनमें आपस में 5% से ज़्यादा का फर्क नहीं होता सारी डीएमए में, और उसके करंट मार्केट प्राइस में 5% से ज़्यादा का फर्क नहीं होता, तब हम मानते हैं कि वो शेयर अच्छी तरह कंसोलिडेट हो चुका है और ब्रेकआउट होने के लिए तैयार है। जब मुझसे कोई व्यक्ति पूछता है कि सर शेयरों की कोई टिप दीजिए, देखो मैं जब भी बाजार में निकलता हूँ या ऑफिस में जाता हूँ तो बहुत से लोग मेरे पीछे भागते हैं, शेयरों की टिप मुझसे मांगते हैं, तो उनको मैं आजकल ये कंसोलिडेट ब्रेकआउट वाले स्टॉक ही रटे रटाए रखता हूँ, वो उनको बता देता हूँ कि भाई ये शेयर आप ले लीजिए। तो मैं आपको भी इसको निकालना सिखाऊंगा बल्कि एक इसकी गूगल फाइनेंस शीट दे दूंगा जो ऑटोमेटिक आपको बताएगी कि कौन से शेयर अभी कंसोलिडेट ब्रेकआउट में आ चुके हैं। तो आप पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए, मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। ये मैंने करंट मार्केट प्राइस लिखा है बोर्ड पे आपको समझाने के लिए, 5 दिन की डीएमए लिखी है, 20 दिन की डीएमए लिखी है, 50 डेज की डीएमए लिखी है, 100 डेज की डीएमए लिखी है और 200 डेज की डीएमए लिखी है। तीन शेयर मैंने आपको एग्जांपल में समझाने के लिए है। एक शेयर का नाम है एसआरएफ, जिसको मैं ओके बता रहा हूँ कि अभी ये ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है कंसोलिडेट ब्रेकआउट के लिए, और एसआरएफ मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। क्योंकि देखो मैं जिन विधियों से आपको शिक्षा देता हूँ उन्हीं समान प्रकृति की विधियों से मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, तो मैं जो भी आपको गूगल शीट दूंगा, जो भी आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी मिलेंगे। ये मेरा डिस्क्लोजर है कि इसमें मेरा खुद का इंटरेस्ट भी निहित है, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। तो आप ये सेबी के नियमों से डिस्क्लोजर से ध्यान रखिएगा कि मैं आपको कोई शेयर की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, एक जनरल कंसेप्ट समझा रहा हूं। तो कंसेप्ट समझाने में एग्जांपल मेरे एसआरएफ का नाम आया, तो एसआरएफ मेरे खुद के पास भी है। ऐसे ही मैं सीट दूंगा तो उस सीट से स्वाभाविक मैं खुद भी ट्रेड करता हूं, तो उस सीट में भी यदि कोई शेयर ब्रेकआउट में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से मेरे खुद के पास भी होंगे। बजाज ऑटो का एग्जांपल मैंने लिया है और एनआईटी लिमिटेड का एग्जांपल मैंने लिया है। इसमें आप समझिए इनका करंट मार्केट प्राइस एसआरएफ का क्या है, करंट मार्केट प्राइस 2368.50 है। मेरे साउथ इंडियन फॉलोअर्स अक्सर कहते हैं कि साहब कम से कम अंक जो है वो तो इंग्लिश में बोल दिया करो, तो इसके लिए करंट मार्केट प्राइस 2368.50, 5 दिन की डीएमए उसकी 2395.30 है। इसी प्रकार उसकी 20 दिन की डीएमए जो है, अब मैं थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ, 2374.71, और 50 दिन की डीएमए 2288.65, 100 दिन की डीएमए 2368.93। यानी ये सब जो करंट मार्केट प्राइस में देखो आप, 5 दिन की डीएमए देखो, 20 दिन की डीएमए देखो, 50 दिन की डीएमए देखो, ये सब लगभग बराबर हो चुकी है, लगभग इक्वल हो चुकी है। इसमें भी जो ये आपको 2288 जो दिखाई दे रहा है, इसमें भी इनमें आपस में 5% से ज़्यादा का फर्क किसी में नहीं है, इनमें आपस में किसी में भी 5% से ज़्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। तो इसकी मैं आपको गूगल फाइनेंस शीट बना के दूंगा ऑटोमेटिक, उसके अंदर फार्मूले जो डले हुए हैं वो खुद बताती है गूगल फाइनेंस शीट कि साहब ये एसआरएफ ऐसा है जो कंसोलिडेट ब्रेकआउट में आ चुका है, ये शेयर अच्छी तरह से कंसोलिडेट हो चुका है। इसमें एक शर्त ये भी है कि वो ईयर लो से बढ़ना चाहिए, यानी उसकी ईयर लो की डेट जस्ट पीछे होनी चाहिए, ईयर हाई की डेट पीछे नहीं होनी चाहिए, ईयर हाई से गिरता गिरता नहीं आना चाहिए शेयर, ईयर लो से ऊपर बढ़ते आना चाहिए। तो वो भी फार्मूले में दिया हुआ है, अभी मैं आपको थ्योरेटिकल समझाने के बाद प्रैक्टिकल समझाऊंगा जब आप वो फार्मूला भी देख लेंगे। तो एसआरएफ का शेयर क्या है, कंसोलिडेट ब्रेकआउट में आ चुका है। ये उसी प्रकार से है जैसे आप किसी डॉक्टर के पास अपना बीपी चेक कराने जाते हैं, ब्लड प्रेशर आप भगवान ने अपनाया, आपका बीपी जो है 90 से 120 के बीच में लगभग जो मतलब कंसोलिडेट जोन में रहता है 90 से 120 के बीच में, तो आप बीमार नहीं हो, आप स्वस्थ हो। लेकिन यदि आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, यदि आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो आप बीमार हो, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। इसका बीपी बजाज ऑटो का बीपी अभी बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा, ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में मिलेगा। इसकी 200 डीएमए 4237.59 है, इससे बढ़ के अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 5149 आ चुका है। यानी इनकी डीएमए में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है आपस में, तो ये स्टॉक क्या है ओवरबॉट में जोन में आ चुका है। मेरे अनुसार ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बढ़ने को आगे और भी बढ़ जाए, मैं ये नहीं कहता कि कल इसमें शॉर्ट मार देना,
ऐसा नहीं है, बढ़ने को और भी बढ़ जाए, लेकिन अभी ये शेयर रिस्की हो चुका है इसमें यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो। लेकिन SRF का शेयर अभी उतना रिस्की नहीं रहा क्योंकि अच्छी तरह से कंसोलिडेट हो चुका है। तो बजाज ऑटो को हम कह देते हैं कि इसका BP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये ओवरबॉट जोन में है। और ऐसे ही NIT लिमिटेड में आप क्या देखते हो कि इसकी 200 डेज की DMA 252.76 थी, लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस 123.70 यानी 200 DMA से शेयर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। बीच में और भी बहुत ज़्यादा गिर के आया था, 50 डेज की DMA इसकी 85 ही है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गिरावट से ऊपर बढ़ गया, लेकिन पूरी तरह से कंसोलिडेट नहीं हुआ है। अभी इसको रिस्क फ्री नहीं मान सकते, यानी इसका BP भी अभी कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो पूरी तरह से रोगी को हम अभी स्वस्थ नहीं मान सकते, इसको भी अभी इलाज की जरूरत है ऐसा हम मान रहे हैं। लेकिन SRF को हम मानते हैं कि ये कंसोलिडेट ब्रेकआउट के अंदर आ चुका है। तो मैं आशा करता हूँ आप कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे मैं आपको इसकी गूगल फाइनेंस शीट के बारे में समझाता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूँ। अभी भी कमेंट्स में ऐसी शिकायत मुझे लगातार प्राप्त हो रही है कि कुछ लोग मेरी फोटो लगा करके टेलीग्राम पे फेक चैनल खोल के बैठे हैं और आपको टिप देने के नाम पे वो आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं, आपको लगता है कि मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, ऐसा कमेंट में आता है। तो मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, मैं पैसे लेके कोई भी टिप नहीं देता। यदि टेलीग्राम पे मेरी फोटो लगा के कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है या टिप भेजता है, कोई प्लान स्कीम आदि भेजता है, तो आप उसको रिपोर्ट कीजिए टेलीग्राम पे, वो चैनल बंद कराइए। ये समाज सेवा मेरे सभी फॉलोअर्स से निवेदन है, वो खुद भी जाके करे, टेलीग्राम पे मेरे नाम से सर्च करे महेश चंद्र कौशिक, उन चैनलों को देखें। उसमें यदि कोई चैनल आपसे पैसे मांग रहा है, देखो मेरा जो असली चैनल है उसमें मैं सिर्फ लिंक शेयर करता हूँ, मेरे असली रियल चैनल में मैं सिर्फ मेरे वीडियो के और मेरे जो ब्लॉग पोस्ट के मैं लिंक शेयर करूँगा, कभी भी पैसे वैसे नहीं मांगूंगा। सिर्फ मेरे वीडियो और ब्लॉग पोस्ट के लिंक यदि उस चैनल में शेयर है तो मेरा असली चैनल है। यदि कोई आपसे टिप बेच रहा है, पैसे मांग रहा है, प्लान बेच रहा है, तो आपको समझ लीजिए कि वो फेक व्यक्ति है, वो पता नहीं दुनिया के किस भाग में बैठा है, आपसे पैसे ठगने का प्रयास कर रहा है। तो उसको आप रिपोर्ट कीजिए टेलीग्राम को, टेलीग्राम में ऑप्शन आता है रिपोर्ट करने का, उसमें बताइए कि ये फेक अकाउंट है, फेक चैनल है। तो उससे क्या हुआ कि वो टेलीग्राम चैनल बंद हो जाएगा, ताकि दूसरे लोग ठगी से बच जाएंगे और आप लोग सावधान रहें, ऐसी किसी भी ठगी में नहीं आए। तो अब निफ्टी 50 में 50 शेयर है, नेक्स्ट निफ्टी के अंदर 50 शेयर है और बैंक निफ्टी के अंदर 12 शेयर है, कुल 112 शेयर है। इन 112 में से 3 शेयर जो आपस के अंदर कॉमन थे, कि मान लो निफ्टी में भी थे और बैंक निफ्टी में भी थे, जैसे SBI है, तो 3 शेयर जो कॉमन थे उनको मैंने निकाल दिया, तो 109 शेयर, ये टॉप 109 शेयर बच गए। उन 109 शेयर का प्रयोग करके मैंने उसमें 109 शेयर में कंसोलिडेट ब्रेकआउट दिखाने वाली एक गूगल फाइनेंस शीट बनाई है। उस सीट का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल फ्री सीट है वो और ऑटोमेटिक अपडेट भी होती है। उसको सिर्फ आपको नए नाम से अपने गूगल ड्राइव में कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी। कभी कोई प्रॉब्लम आए, कोई लिंक वगैरह, कोई नाम वगैरह चेंज हो जाए, किसी शेयर का NSE कोड चेंज हो जाए, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी वो अपडेट होगी। तो मैं वो सीट आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि कैसी सीट है, उसके बाद आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो सीट भी मिल जाएगी। तो ये है गूगल फाइनेंस सीट जो मैंने बनाई है, कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट स्टॉक्स इसका नाम दिया है। इसमें ये टॉप 109 स्टॉक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके NSE कोड मैंने लिखे हुए हैं। तो ये NSE कोड पहले कॉलम में है, दूसरे कॉलम में करंट मार्केट प्राइस है, ये गूगल फाइनेंस का फार्मूला दिया हुआ है, ऑटोमेटिक मार्केट प्राइस अपडेट होते हैं। तीसरे कॉलम में 5 दिन की मूविंग एवरेज है, इसका ये फार्मूला दिया हुआ है। बहुत से लोग इस फार्मूले पे संदेह करते हैं कि आपने टुडे माइनस 15 क्यों किया है, तो ये 15 क्या है, कैलेंडर डेज है, पहले ये कैलेंडर डेज लिस्ट होते हैं 15, तो 15 में से कुछ दिन हॉलीडेज भी होते हैं, छुट्टी भी होती है, उसके बाद उसमें से 5 की लिमिट सिलेक्ट हो जाती है, 5 की एवरेज निकल जाती है, तो फार्मूला मेरा सही है, इस पे संदेह करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 20 डेज की DMA में मैं कैलेंडर डेज 3 गुणा करके देता हूँ, 60 दिए हैं, लेकिन कॉलम लिमिट जो है 20 सिलेक्ट हो जाती है। तो जिनको फार्मूले से मतलब है वो फार्मूला कॉपी कर सकते हैं, अपनी खुद की सीट बना सकते हैं। ये 50 दिन की DMA फार्मूले से आएगी, 100 दिन की DMA आएगी, 200 दिन की DMA आएगी। फिर इसमें फार्मूला दिया है 52 वीक का हाई निकालने का, इस शेयर का UPL का 52 वीक का हाई क्या है, 52 वीक के हाई की डेट क्या है, ये भी फार्मूला दिया है। फिर 52 वीक का लो क्या है, 52 वीक के लो की डेट क्या है, उसका फार्मूला दिया है। तो इससे क्या होगा, डेट से हमें ये देखना है कि जो वर्तमान डेट है, जो कोई शेयर यदि सिलेक्ट करें, मान लो बेस्ट टाइम टू बाय जिसमें लिखा रहा है, तो उसमें ये जो डेट है 52 वीक के लो की डेट है, ये पीछे होनी चाहिए, यानी 25 जुलाई को उसका 52 वीक का लो बढ़ गया था, और उसके बाद इसका हाई जो बढ़ा था ये 52 वीक का इस शेयर का 19 सितंबर 2022 को बढ़ा था इसका हाई। ये SRF ही शेयर है, ये जो शेयर आपको दिख रहा है ये SRF का ही मैं डिटेल बता रहा हूँ इसके अंदर। तो इसमें ये भी शर्त है कि इसके 52 वीक के लो की डेट से शेयर बढ़ के आना चाहिए,
यानी पीछे की तरफ यदि देखते हैं, हम आज के दिन से पीछे की तरफ देखते हैं तो पहले 52 वीक के लो की डेट आनी चाहिए, न कि पहले 52 वीक के हाई की डेट आनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला भी इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले में सबसे पहले ये 52 वीक के हाई लो वाला फॉर्मूला ही ये दिया हुआ है, आई और के अंदर दिया हुआ है कि आई जो छोटा होना चाहिए और के बड़ा होना चाहिए। यानी ये 52 वीक के जो लो की डेट है वो पास में होनी चाहिए हमारे, इसलिए इस तरह से फॉर्मूला देंगे तब इस तरह से पास में आती है। तो यहाँ आउटपुट में अवॉइड लिखा आ जाएगा यदि ये सभी शर्तों को फुलफिल नहीं करेगा, सारी शर्तें इसमें फॉर्मूले में दी हुई है। और यदि शर्तों को फुलफिल करेगा यानी इनके सभी दिन की ये डीएमए जो कंसोलिडेट हो गई होगी, सीएमपी 5 दिन की डीएमए, 20 दिन की डीएमए, 50 दिन की डीएमए, 100 डेज डीएमए, ये सब लगभग 5% से ज्यादा फर्क में नहीं होगी। ये फार्मूला इस प्रकार दिया होगा, इनमें किसी में भी 5% से ज्यादा का फर्क नहीं होगा और शेयर उसके 52 वीक के लो से ऊपर बढ़ रहा होगा तो ये यहाँ लिखेगा बेस्ट टाइम फॉर बाय, नहीं तो लिखेगा अवॉइड। और इन सब 109 शेयरों का परिणाम पहले फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। देखो सी नीचे की तरफ देखो आप, फाइनल लिस्ट दिया हुआ है, फाइनल लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फाइनल ये 109 में से ये सिर्फ मात्र जो है 10 शेयर ही चूज होके आए हैं। एसआरएफ है, डाबर है, आयसर मोटर है, डीमार्ट है, अडानी इंसोल है, पिडलाइट इंडस्ट्रीज है, अंबुजा सीमेंट है, एसबीआई है, एसबीआई कार्ड है, एशियन पेंट है। तो ये 10 शेयर ही इसमें से फाइनली सिलेक्ट होकर के आए हैं जो अभी जिनका खरीदने का बेस्ट टाइम है। ये इनका करंट मार्केट प्राइस इसके अंदर आ रहा है। ये सारे मैंने यहाँ पे डिस्क्लोजर दिए हैं कि मैं खुद भी इन सीट से ट्रेड करता हूँ तो सारे के सारे शेयर हो सकता है मेरे पास में हो, और इसको किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं माना जाए इस सीट को। ये सिर्फ आपको समझाया जा रहा है कि कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट स्टॉक्स कैसे आप निकाल सकते हैं, आप ऐसे खुद की सीट भी बना सकते हैं। और इस सीट को मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसमें से फार्मूले कॉपी कर सकते हैं। लेकिन आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से रोज इस सीट को मत खोलना, क्योंकि एकदम से बहुत सारे फॉलोअर खोलेंगे इसमें लिखा आएगा लोडिंग लोडिंग लोडिंग, ये खुलेगी नहीं। तो आप फाइल मेनू में जाना, मेक ए कॉपी करना, मेक ए कॉपी में करके जो आपके नए नाम से सेव कर लेना, ये कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड स्टोर का रहा है ना, इसमें आपका नाम लिख देना। जैसे आपका नाम मान लो राजा रेड्डी है तो आप इसको राजा रेड्डी लिख करके राजा रेड्डी कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट स्टॉक से नए नाम से कॉपी अपने ड्राइव में बना लेना, फिर उसको खोलना तो आपकी गूगल सीट ऐप से भी खुल जाएगी। आपके मोबाइल में गूगल सीट ऐप है तो, या आपके मोबाइल में सीधे गूगल ड्राइव पे भी आप जाके इसको फिर बाद में खोल सकते हैं, कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट स्टॉक्स वाली सीट को आया होगा। और मैं जाने से पहले एक बार फिर सेबी के नियमों के मुताबिक ये डिस्क्लोजर दे दूं कि ये जो गूगल फाइनेंस सीट है ये किसी भी शेयर को खरीदने की या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं कर रही है। ये सिर्फ आपको कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स बता रही है जो मैं खुद भी खरीदता हूँ। तो ये सभी के सभी स्टॉक्स जो इस सीट में आते हैं मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है, मेरा पर्सनल रीतिन में जुड़ा हुआ है। तो आप कोई भी ट्रेड लेवल में सोच समझ के लें। अब आप पूछेंगे सर इसके अंदर टारगेट क्या रखें, स्टॉप लॉस क्या रखें? तो देखो मैं स्टॉप लॉस तो कभी रखता ही नहीं, मैं कभी स्टॉप लॉस नहीं रखता। टारगेट मैं खुद इनमें 6% का टारगेट लेके चलता हूँ, लगभग 6% प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं पैसे को दोबारा रोटेट इनके अंदर कर देता हूँ। और आप जो ऐसा भी टारगेट कर सकते हैं कि जब शेयर में ये लगभग फिक्स ही रहेंगे, ज़्यादा बदलेंगे नहीं, इतने फास्ट नहीं बदलते, ये हफ्ते के अंदर कोई एक दो शेयर ही सीट में बदलेंगे। तो जब कोई नया आ जाए तो आप पुराने वाले को रिप्लेस कर सकते हैं, इस प्रकार से भी आप इसके अंदर कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में आपने लगभग सभी खरीद लिए और जब कोई नया शेयर सीट में आया तो पुराने में जो आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में था उसको आपने बेच दिया। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, या आप अपने मनपसंद से टारगेट तय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं इस प्रकार के अच्छे शेयरों में रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि टॉप 109 शेयर ही तो है जो निफ्टी के भाग है, नेक्स्ट निफ्टी के भाग है, जिनमें हमारी ट्रेड नहीं होगी हमारे पोर्टफोलियो के भाग बन जाएंगे आज नहीं तो कल, इनमें 6% टारगेट लगभग मिल ही जाता है। नहीं तो मेरी अन्य विधियाँ हैं लॉस मेकिंग स्टॉक से बाहर निकलने, मेरी अन्य विधियाँ हैं उनसे आप धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। मेरे चैनल पर बाकी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं कैसे लॉस मेकिंग स्टॉक से बाहर निकलता हूँ। तो आपने वीडियो देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।